सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ठाकुर द्वारा से। आज का कुछ सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं सरिया ठाकुर द्वारा बागवाला में, सरिया मंदिर जो कि जंगड़ से भी आ गया है लास्ट हमारी बॉर्डर में। आज हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी मूर्ति स्थापना का जो है कि समारोह रखा है हमारे गुरु जी ने। पहले सुबह कीर्तन होना है वहाँ पर, उसके बाद भंडारा होना है। ये हमारे गुगली भाई, दोस्तों अब निकल चुके हैं सरिया के लिए। काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है हमारा ये भी व्लॉग, इसमें भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे अपने मंदिर से रिलेटेड। गुरुजी जो तो ये हमारे गुरुजी की गाड़ी जा रही है। गुरुजी जो है कि रात को ही चले गए थे वहाँ पे, अभी गाड़ी आई थी सुबह कुछ सामान लेने, और जो महात्मा लोग बाकी के रह गए थे उनको लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों की रात को रुकने की परमिशन नहीं है आर्मी की तरफ से, इसलिए सिर्फ गुरुजी और एक दो बंदे ही साथ में रुक सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं वहाँ रुक सकते। सो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का व्लॉग, बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। जैसे हमने पीछे के व्लॉग्स में प्यार दिया, इस व्लॉग में भी जरूर प्यार देना और व्लॉग को पूरा देखना। सो दोस्तों फाइनली जो है कि हम आर्मी का गेट एंटर कर चुके हैं, अभी हम पहुंचेंगे मंदिर में हमारे ठाकुर द्वारा बागवाला में, और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे आज का। सो दोस्तों ये रहा हमारा ठाकुर द्वारा बागवाला सरिया जंगड़। देखो यार क्या ही रौनक है इस मंदिर की, और इसके आगे पीछे देखो पेड़ ही पेड़, जंगल है पूरा, और इस जगह के आगे एक भी घर नहीं है, वहाँ इन पेड़ों के पार पाकिस्तान है उस साइड में। देखो यार हमारे अभी ध्वज जो है हमारा नया, हर साल के बाद एक नया ध्वज लगाते हैं, तो अभी ध्वज की पूजा हो रही है और हमारे गुरु जी ध्वज लगा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, अभी तो भीड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर बाद इधर इतनी भीड़ हो जाएगी, आज है भी संडे का दिन है। बेसिकली यहाँ का जो प्रोग्राम होता है वो 24 अप्रैल को होता है, 24 अप्रैल है, कल के दिन मंडे है। तो गुरुजी ने इस बार सोचा कि मंडे को लोग आ नहीं सकेंगे सभी, तो गुरुजी ने प्रोग्राम एक दिन पहले प्रीपोन्ड कर दिया और इसको संडे के दिन रख लिया, ताकि सभी लोग आ सकें और यहाँ पे भगवान के दर्शन कर सकें। जयकारो वीर बजरंगे, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जी महाराज की जय हो, जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अपने श्री गुरु महाराज की जय हो। सो दोस्तों यहाँ पे राहिल जो है कि अपना साउंड सेट कर रहा है और हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं, आज इन्होंने कीर्तन करना है, और यहाँ पे सामने है कि पूजा चल रही है यहाँ पे, अभी पूजा के बाद जो है कि सत्संग शुरू हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। भैया सीताराम
वो सामने हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है कि पूजा चल रही है। यहाँ ऊपर लंगर सेवादार लंगर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे लंगर होगा हमारा। यहाँ पे देखो यार व्यू कितना प्यारा है हमारे इस मंदिर का, आगे पीछे। और ठाकुर द्वारा बाग वाला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पुराना बाग होता था। ये देखो नीचे, ये जितना भी आप पेड़ वगैरह देख रहे हो ये सभी बाग है, ये ठाकुर द्वारा का बाग है ये। अब अलग 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 फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं, ये गुरु जी ने मेंटेन करके रखा। अभी यहाँ पे हमने गुरु जी की प्लान के मुताबिक यहाँ पे अभी हमने और बाग, इसको जो है ना हमारा बाग, इसको और बढ़ाना है क्योंकि हमारी जमीन नीचे तक है मंदिर की, पूरा बाग ही बाग करना है यहाँ पे। ये सभी बाग है इसलिए ठाकुर द्वारे का नाम है ठाकुर द्वारा बाग वाला। दोस्तों आपने इनको हमारे ब्लॉग में बहुत बार देखा है, सो ठाकुर द्वारे की तरह ठाकुर द्वारा बाग वाला में भी इनकी फुल सेवा है। वही जी हमारे कल आए थे रात के दिनों, वाह जी वाह क्या होता है, ये बड़े किस्मत वाले जो इनको यहाँ पे इस जगह में एक रात रहने का मौका मिला। हमें भी बड़ा मन है हम भी यहाँ पे एक रात रुके, लेकिन चलो किस्मत में नहीं है। वीर बजरंगी हर हर महादेव। सो दोस्तों हमारे राहिल भाई हमारे आज के साउंड ऑपरेटर, वाह कमाल साउंड, अब ये साउंड ऑपरेटर ही है, अभी ऑक्टापैड भी प्ले करते हैं, अब ये म्यूजिशियन हो गए हैं, म्यूजिशियन बन गया अभी। उस्ताद जी क्या कर रहे हैं यार, राहिल जी आप सर को प्ले करते हो महाराज, आपने तो मुझे सिखाया। हाय 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 गैसी ना करो भाजी, नहीं गैसी आज सरिया में हमारी हाजिरी लग रही है भाजी, तुम कीबोर्ड प्ले करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कीबोर्ड आया नहीं अभी ला रहे हैं भाजी, आ जाएगा आज। तो दोस्तों फाइनली जो है कि भक्तजन आना शुरू हो चुके हैं, रौनक लगनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे सामने महाराज जी का और महाराज जी के नाना गुरु का जो है कि पूजा हो रही है उनकी, और यहाँ पे आस्ता आस्ता रश पड़ना शुरू हो गया। कुछ देर बाद और रश हो जाएगा, और बाजार के लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे आस्ता आस्ता। सो हवन यहाँ पे कंप्लीट हो गया अभी नहीं। सो दोस्तों अब यहाँ पे महाराज जी पूर्ण होती के लिए जा रहे हैं, उसके बाद परिक्रमा होगी, देख सकते हैं आप कितने भक्तजन आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे अक्षरा बोल रही है, भैया मुझे भी ब्लॉग मिलाओ। अक्षरा बोलो आप क्या बोलोगे, एक कशिश यहाँ पे गाइस वाला पुराना हो गया, कुछ नया लाओ। सो दोस्तों यहाँ पे यज्ञशाला की परिक्रमा हो रही है, आप देख सकते हैं सभी यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं सभी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिला था तो खाना खाया हमने, जैसे कि आपने पीछे की क्लिप्स में देखा मैं भी कीबोर्ड बजा रहा था, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया हमारे राहिल भाई। और बहुत ही भीड़ थी, अभी तो भीड़ बहुत कम हो गई है, शायद एक शॉट है भीड़ वाला, मैंने कहा था महेश को लेने के लिए, आपने देखा ही होगा कितनी भीड़ थी। सो अभी अभी खाना खाया, बहुत थक गए थे, तो अभी थोड़ा और बजाना है, उसके बाद फ्री होंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको। सो यहाँ पे गुरु जी सभी को बोल रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, सभी सब परिक्रमा करेंगे। दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है कि सत्संग हुआ खत्म, अभी जितने भी संगत है आस्ता आस्ता सभी अपने घरों के लिए जा रहे हैं,
देख सकते हो आप कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये सामने हमारे डमराल भाई, ये देखो। सो दोस्तों ये देखो सभी जो है कि अब निकलने की तैयारियों में हैं, जितने भी बचे हुए लोग हैं। बहुत ही मज़ा है यार आज के भंडारे में। गुरुजी भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उससे डबल में जो है कि संगतें यहाँ पे आई, उससे डबल श्रद्धालु यहाँ पे आए। और ये जगह भी अच्छी है यार, ये गुरुजी ने जंगल में मंगल जो करवाया है। और वहाँ पे आई थिंक जाम लगा है यार, कोई गाड़ी ख़राब हुई है क्या हुआ उधर? हमारे पंडित जी आज का आज की मेन रौनक ये थे, इन्होंने पूरी रौनक लगाई। अब ये भी जा रहे हैं अपने घर। सो दोस्तों सारा ख़त्म हो चुका है। सोच के आया था कि यहाँ के महाराज ने मुझे बोला था कि वीडियो भी बना लेना ठाकुर द्वारा टीवी में लगाने के लिए। अब ये महेश ने गिम्बल पकड़ा हुआ है, अभी गिम्बल मैंने बैलेंस कर लिया। सो अभी करना है मैंने शूट सारा, थोड़े और मैं देख रहा हूँ कि लोग चले जाएँ उसके बाद अच्छा शूट हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ी सनलाइट भी थोड़ी नीचे आ जाएगी, सो जो शेड्स आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी, सो उसके बाद शूट करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं ठाकुर द्वारा। मैं भूल ही गया था वीडियो बनाते बनाते कि व्लॉग भी एंड करना है। सो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये आज का सरिया का, सामने गुरुजी बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा सरिया का पूरा। ये जो आज का यज्ञ था, सत्संग था, कीर्तन था, जो भी हुआ, काफ़ी लोग थे, काफ़ी रौनक थी। गुरुजी बहुत खुश हुए कि उनको लगा नहीं था कि इतनी रौनक इतनी संगत आएगी, लेकिन काफ़ी संगत आई यार, बहुत ही मज़ा आया। सो अब टाइम हो चुका है व्लॉग को करने का, एंड मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय श्री राम।